हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो हम आए हैं अपने सिस्टर इन लॉ के यहाँ। तो उनकी जो सोसाइटी है वहाँ पे डांडिया और गरबा का फंक्शन है, तो उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। ये देखिए, ये शाम के समय हम लोग छत पे आए हुए हैं, तो वहीं से यहाँ की सजावट देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है और मन्नत बहुत इंजॉय कर रही हैं यहाँ पर। वो मस्ती कर रही हैं सबके साथ, अपनी बुआ लोग के साथ हैं। तो मन्नत यहाँ झूले पे बैठना चाह रही थी, पर उसको अकेले नहीं बैठना था, इसलिए बारी बारी सब लोग मन्नत के साथ बैठ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो थोड़े दिन मन्नत को मैंने अकेले छोड़ दिया झूले पे। कौन? लेकिन वो बीच बीच में डरती भी बहुत है। और मन्नत को यहाँ आके बड़ा अच्छा लग रहा था और इसकी फ्रेंड भी यहाँ बन गई थी। तो करीब 7 बज गए हैं और आरती के लिए पंडित जी सबको बुला रहे हैं। तो सब लोग अब रेडी होके सीधा आएंगे आरती के लिए, और उसके बाद सब डांस परफॉर्मेंस होगी सबकी, और उसके बाद सब एक साथ उठ के गरबा या डांस करेंगे। तो चलिए रेडी होते हैं और फिर आते हैं यहाँ पे और फिर इंजॉय करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी से पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की सजावट। यहाँ पे सब हो रहे हैं रेडी। तो जो बड़ी दीदी हैं, बड़ी सिस्टर इन लॉ, वो सबसे पहले रेडी हो गई हैं। सभी लोग बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही प्रेटी लग रहे हैं। दीदी भी रेडी हो गई हैं और ये है मेरी मन्नत। और चलिए आपको मिलाते हैं वैष्णवी पांडे से, जो कि है मेरी भतीजी। बहुत ही क्यूट लग रही है, स्वीट सी। और ये घर के सामने रहती है, क्यूट बेबी। और मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो बस चलिए अब हम चलते हैं और एंजॉय करते हैं गरबा की रात। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करिए।